हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। माय नेम इज योगिता सतीश सावड़े। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 9th हिस्ट्री लेसन नंबर 6 एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शंस। मतलब कि महिला और अन्य जो दुर्बल घटक रहते हैं उनका सक्षमीकरण। इस चैप्टर का स्टडी आज हम करने वाले हैं। वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड extensively in the freedom struggle. Women have also made important contributions in all fields in the post-independence period too. भारत का जो स्वतंत्र लड़ा हुआ था वहाँ पर स्वतंत्रोत्तर कार्यखंड में स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान वहाँ पर रहा है। भारत के स्वतंत्रता के जो अलग अलग जो फ्रीडम स्ट्रगल हुए थे वहाँ पर, and that is what we will study in this chapter as also the laws enacted for women and other weaker section. तो इस संदर्भ में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि जो महिला रहते हैं या अन्य जो दुर्बल घटक रहते हैं उनके संदर्भ में कौन कौन से कायदे वहाँ पर, कौन कौन से कानून किए गए, उसके बारे में जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है नोधिस नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन। हर एक ईयर का यहाँ पर सेंसस दिया गया है, जनगणना जो रहती है वो ईयर की दी गई है। वहाँ पर बताया गया है कि हर एक ईयर में 1000 मेन के पीछे महिलाएं कितने रहती है, यानी कि 1000 अगर पुरुष होते हैं तो 1951 में 946 महिलाएं थी, और 1661 यानी कि 10 ईयर्स के बाद अगर जो जनगणना होती है तो वहाँ पर हमें ये नंबर दिखाई पड़ रहा है कि 1661 में यहाँ पर, सॉरी 1961 चाहिए था, तो यहाँ पर 941 महिलाएं थी, यानी कि 1000 पुरुष के पीछे। नेक्स्ट 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में 927, 2001 में 933। इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से 946 से लेकर, यानी कि जो कि 1951 से लेकर 2001 तक अगर देखते हैं तो नंबर जो होता है महिलाओं का वो कम होता गया है। एंड फाइंड आउट द रीज़न, इसका रीज़न आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाई द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन इन द पॉपुलेशन हैज़ बीन डिक्रीजिंग। क्योंकि हर एक, व्हेन वी स्टडी द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया वी रियलाइज दैट द रूट्स ऑफ सेवरल ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस लाई इन द मेंटेलिटी ऑफ मेन। तो भारत में जो स्त्रियों की परिस्थिति है उसका स्टडी करते समय हमें ये जानकारी मिलती है कि बहुत सारे समस्याएं जो कि पुरुषों के मानसिकता में होते हैं। इवन इन द 21st century वी हैव नॉट बीन एबल टू रीड अवर सेल्फ ऑफ दिस मेल सेंटर्ड मेंटेलिटी। क्योंकि एक जो 21वां जो शतक होता है तो वहाँ पर पुरुषी मानसिकता जो रहती है उससे हम अपने उन्हें छुटकारा नहीं मिला, उनकी छुटकारा। यूज ऑफ वुमेन पावर इन द भूदान मूवमेंट। विनोबा भावे जो थे उन्होंने भूदान मूवमेंट में, भूदान चळवळ में वहाँ पर महिलाओं का योगदान, वहाँ पर महिलाओं की पावर वहाँ पर बताई थी। ही हैड स्टार्टेड प्लेसिंग हिज फेथ ऑफ महात्मा गांधी फिलोसॉफी एंड वुमेन वॉलंटियर्स कैरिड द मैसेज ऑफ भूदान टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जो महिला थी, कार्यकर्ता थी, उन्होंने भारत भर उस भूदान के विचार जो थे वह उसका प्रसार किया था। एंड वुमेन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द तेलंगाना प्रिजन आर्म स्ट्रगल विच चैलेंज द रूल ऑफ द निजाम्स एंड द फ्यूडल सिस्टम एज देयर रिलीजन बिकेम फ्री फ्रॉम बॉन्डेड लेबर। वुमेन ऑल्सो फाउंड फ्रीडम फ्रॉम दिस टॉर्मेंट। तो यहाँ पर बहुत ऐसे निजामशाही सरंजामी जो व्यवस्था थी उन्हें वहाँ पर चुनौती देने वाले जो तेलंगाना शेतकरी थे वहाँ पर मुक्ति लड़ा, यानी कि जो मुक्ति लड़ा हुआ था तेलंगाना में वहाँ पर भी स्त्रियों का सहभाग हुआ था, वहाँ पर उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था, लक्षणीय था। एंड इस एरिया में वेट बिगार मुक्त होने के कारण स्त्रियों की उस संकट से मुक्तता हुई थी, उन्हें वहाँ पर फ्रीडम मिला था। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमन पावर। वुमन हु हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ स्कैरसिटी ऑफ सप्लाईज एंड राइजिंग प्राइसेस गेव अ शो ऑफ देयर स्ट्रेंथ एज एन ऑर्गेनाइज एंटिटी इन 1972। तो
हम देख सकते हैं कि जीवनावश्यक जो चीज़ें रहती है उनके कमतरता होने के कारण, महंगाई बढ़ने के कारण बहुत बड़े ऐसे समस्या को महिलाएं थी वह संगठित हुई थी ऐसे अलग अलग कारणों की वजह से। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द सोशलिस्ट लीडर मृणाल गोरे, वुमेन इन मुंबई पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन विच केम टू बी नोन एज अ लाटने मोर्चा। उन्होंने यहाँ पर लाटने मोर्चा निकाला था। समाजवादी नेता थी वो, जो कि मृणाल गोरे ऐसा उनका नाम था, और उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और इस वजह से रोलिंग पिन डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा उन्होंने बनाया था। तो कमोडिट्स लाइक ऑयल, घी, रवा, मैदा, वूल बिकम स्कैर्स जस्ट एज दिवाली वॉज नियर एट हैंड। जबकि दिवाली यहाँ पर आने वाली थी और महंगी हो चुकी थी, इन्हीं इस वजह से उन्होंने यहाँ पर मोर्चा निकाला था। एंड केरोसिन हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव, वुमेन केम टुगेदर ब्रांडिशिंग देयर रोलिंग पिंस एंड टुक पार्ट इन द डेमोन्स्ट्रेशन। एंड इस वजह से बहुत सारे महिलाएं यहाँ पर इस आविष्कार में शामिल हुई थी। यहाँ पर स्त्री शक्ति का बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है। वुमेन केम टुगेदर ब्रांडिशिंग देयर रोलिंग पिंस एंड टुक पार्ट इन द डेमोन्स्ट्रेशन। दिस मूवमेंट मेड विद सच सक्सेस एंड द पब्लिक गॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ द यूनाइटेड पावर ऑफ वुमेन। और इससे लोगों को महिला सक्षमीकरण का, यानी कि महिला की जो शक्ति रहती है, सामूहिक शक्ति रहती है, उसका आविष्कार जो था उसके बारे में उन्हें जानकारी हुई थी। एंड द चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट यह एक इन्वायरमेंट के रक्षण के लिए की गई थी। अनदर शो ऑफ कंस्ट्रक्टिव वुमेन पावर वॉज सीन ड्यूरिंग द चिपको मूवमेंट इन 1973। ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द फुटहिल ऑफ द हिमालय वेयर टू बी कट डाउन फॉर कमर्शियल पर्पजेज। वहाँ पर हिमालय के नीचे जो ट्रीज थे वह कट किए जाते थे कुछ ना कुछ पर्पज़ के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए। एंड चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्रिवेंट दिस। एंड ऐसे जो ट्रीज थे ऐसे इन्वायरमेंट की बचत के लिए, उनका बचाव करने के लिए उन लोगों ने वहाँ पर मूवमेंट किया था। एंड वुमन फॉलोड द स्ट्रेटजी ऑफ होल्डिंग हैंड्स एंड एनसर्कलिंग ईच ट्री एज देयर मेथड कंसिस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द ट्रीज। और ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए महिलाओं ने हर एक वृक्ष को, हर एक पेड़ को यहाँ पर अपने हाथों से घेर लिया था। एंड इस वजह से ट्रीज को एम्ब्रेसिंग इट एंड उसे तोड़ने से बचाव करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए थे। द मूवमेंट केम टू बी नोन एज द चिपको मूवमेंट। एंड इसी को यहाँ पर चिपको मूवमेंट कहा जाता है। एंड वुमेन टू पार्ट इन इट इन लार्ज नंबर्स। वुमेन हैड अ बिग रोल टू प्ले इन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ दिस रीजन। एंड गौरा देवी वॉज द एक्टिविस्ट हु क्रिएटेड दिस अवेयरनेस अमॉन्ग द वुमेन विद द हेल्प ऑफ सुदेशा देवी एंड बचना देवी, बचनी देवी। तो यहाँ पर बहुत ऐसे महिलाएं वहाँ पर शामिल हुए थे चिपको मूवमेंट में। और इस तरह से वहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था जो थी इस एरिया की, वहाँ पर भी महिलाओं का बहुत बड़ा ऐसा व्यापक ऐसा उनका समावेश था। गौरा देवी ये जो कार्य करती थी, उन्होंने स्त्रियों के मन में वहाँ पर जन जागृति की थी, और उनके साथ वहाँ पर उन्हें हेल्प करने के लिए सुदेशा देवी और बचनी देवी ये उन्होंने मदद की थी। एंटी लिक्वर मूवमेंट, जो कि मद्यपान के विरुद्ध में रहती ऐसी मूवमेंट हुई थी 1992 में, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले। इन आंध्र प्रदेश मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट द ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की ड्रिंकिंग करने की वजह से बहुत सारे ऐसे जो लोगों के बहुत ऐसे संसार जो होते हैं वह उध्वस्त होते हैं। इस वजह से वहाँ पर महिलाओं ने ये मूवमेंट की थी। एंड इट रिसीव्स अ गुड रिस्पॉन्स इन अदर स्टेट्स थ्रू। और अलग अलग राज्यों में भी वहाँ पर उसे बहुत बड़ा ऐसा रिस्पॉन्स मिला था। वेन द हेड ऑफ हाउस होल्ड डाइज एंड अनटाइमली डेथ ड्यू टू एडिक्शन टू अल्कोहल, द फैमिली फेसेस सीरियस क्राइसिस विच अफेक्ट्स वुमेन द मोस्ट। तो मद्यपान के व्यसन के वजह से घर के जो कर्ता पुरुष रहता है उनका अकाली ऐसा मृत्यु हो जाता था। एंड इस वजह से घर में बहुत बड़े ऐसे समस्याएं रहती थी और उन्हें फेस करना महिलाओं को पड़ता था। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने ये मोमेंट की थी। एंड ड्यू टू अल्कोहलिज्म दे हैव टू डील विथ एक्सट्रीम सॉरो एंड प्रॉवर्टी। एंड दिस मोमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ द एंटी
अरैक मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश, और जो दुख इस अल्कोहल की वजह से दुख दैन्य जो उन्हें सामना करना पड़ता था, ऐसे अलग अलग वजह से इस आंदोलन में आंदोलन के लिए आंध्र प्रदेश में अरक विरोधी आंदोलन जो था वह बहुत ही उपयुक्त हुआ था। एज ए रिजल्ट ऑफ ए गवर्नमेंट पॉलिसी अरैक यानी कि लोकली प्रोड्यूस्ड अल्कोहल जो रहते डीलर्स रहते सेटअप शो इन एवरी टाउन एंड विलेज, हर एक विलेज में हर एक टाउन में थे, एंड इस वजह से द पुअर लेबरिंग पीपल बिगैन टू गेट एडिक्टेड टू अल्कोहल, एंड इस वजह से जो पुअर गरीब जो रहते थे कष्टकारी ऐसे जो लोग रहते थे वो उसके अल्कोहल का सेवन करने लगते थे। एंड एट द सेम टाइम अ लिटरेसी प्रोग्राम वॉज बींग रन इन द विलेज, एंड उसी समय वहाँ पर जो साक्षरता प्रोग्राम था वह शुरू था विलेजेस में ऑफ द स्टेट। एंड द सीता माँ कथा मतलब सीता स्टोरी वॉज नरेटेड एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम के माध्यम से वहाँ पर सीता माँ कथा यानी कि सीता की स्टोरी वहाँ पर बताई गई थी। एंड सीता जो गांवकरी रहते थे गांव में रहने वाले लोग रहते थे उनके मन में वहाँ पर जागृति निर्माण करने का काम वह करते थे, और उस वजह से अल्कोहल को वह अटकाव वहाँ पर बनाते। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट सीता हु क्रिएट्स अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल ऑफ ए विलेज एंड गेट्स अल्कोहल टू बी बैन फ्रॉम द विलेज। एंड इन 1992 थ्री यूथ्स ऑफ दबुगंधा विलेज, यहाँ पर जो विलेज था दुबागुंटा नाम का, तो एंड नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में था आंध्र प्रदेश में, ड्रॉन इन अ लेक एंड इन अ स्टेट इन इन एब्रेशन एंड डाइड एट दिस इंस्टेंट द वुमेन ऑफ द विलेज केम टुगेदर एंड फोर्स द क्लोजर ऑफ अरेक शॉप्स। तो वहाँ पर दुबागुंटा जो गांव था वहाँ पर जो तीन लोग थे तीन तरुण लोग थे कि जो नशे की वजह से वहाँ पर एक यहाँ पर लेक में डूबकर मर गए थे। इस वजह से इस गांव के जो बहुत सारे महिलाएं एक इकट्ठित हुई थी और उन्होंने जो मद्यपान का जो व्यवसाय करने वाले जो दुकान थे वह बंद कर दिए थे, एंड इस वजह से जो खबर थी वह स्थानिक वर्तमान के माध्यम वर्तमान पत्र के माध्यम से अलग अलग जगह पर फैली थी, जैसे कि रिपोर्ट ऑफ दिस न्यूज़ इन द लोकल न्यूज़पेपर बैड इट्स इफेक्ट्स ऑन मेनी अदर विलेजेस, और इसके जो इफेक्ट्स थे वह अलग अलग विलेजेस में अलग अलग गांव में होने लगे थे। एंड द मोमेंट स्प्रेड टू द एंटायर स्टेट एंड द गवर्नमेंट हैड टू अडॉप्ट अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट द सेल ऑफ अल्कोहल, और इस वजह से गवर्नमेंट ने शासन ने वहाँ पर निर्णय ऐसी पॉलिसी उन्होंने बनाई थी। अब आगे हमें देखना है यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, द यूनाइटेड नेशन है डिक्लेयर 1972 एज इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर, द थ्री एक्सेप्ट द थ्री एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम वेयर पीस डेवलपमेंट एंड इक्वेलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। इन 1975 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड द कमिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड अपॉइंटेड डॉक्टर फुल रेणु गुहा एज इट्स चेयरमैन। तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो था वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 1975 में वहाँ पर घोषित किया गया था, एंड इस वजह से विकास और शांतता विकास और जो स्त्री पुरुष की जो समानता रहती है ऐसे अलग अलग कार्यक्रम की वहाँ पर त्रिसूत्री बनाई गई थी, एंड इस वजह से ये जो वहाँ पर संस्था बनाई गई थी उस समिति की स्थापना हुई थी, तो वहाँ पर डॉक्टर फुल रेणु गुहा ये जो थे उनके अध्यक्ष बनी थी, एंड स्त्री का सामाजिक स्थान भी वहाँ पर ध्यान में दिया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंड सॉरी हाँ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द कमिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड अपॉइंटेड डॉक्टर फुल रेणु गुहा एज द चेयरमैन, एंड द कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे वॉज कंडक्टेड ऑफ सेवरल इशूज सच एज द सोशल पोजिशन। तो महिलाओं की जो सामाजिक पोजिशन रहती है ऑफ वुमेन देयर स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स मेड फॉर वुमेन एज ऑल्सो एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड इट्स परसेंटेज देयर प्रोग्रेस ड्यू टू एजुकेशन डिफिकल्टीज फेस बाय वर्किंग वुमेन एंड द पोजिशन ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू वर्क और लिवलीहुड देयर विलेज वेजेस रिलेटिव टू मेन्स और वेजेस द फीमेल मेल रेशो बर्थ एंड मॉर्टेलिटी रेट्स एंड द रोल ऑफ द वुमेन। तो
वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स उन्होंने लिए थे कि जैसे कि स्त्री पुरुष का प्रमाण रहता है, जन्म मृत्यु का दर, या स्त्रियों की भूमिका, या सर्वंकष, ऐसे जो अलग अलग पॉइंट्स के आधार पर वहाँ पर उनकी देख रेख की गई थी। एंड टेकिंग इंटू कंसिडरेशन दिस एंटायर बैकग्राउंड, स्टेट वाइड कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन वॉज हेल्ड इन 1975 ऑर्गेनाइज बाय द स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति। वहाँ पर हर एक राष्ट्र के अनुसार अलग अलग संघर्ष में स्टडी करने के बाद स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति की स्थापना की गई थी महाराष्ट्र में भी। एंड वुमेन फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रीजन्स पार्टिसिपेटेड इन इट, एंड द समिति पब्लिश इट्स मैनिफेस्टो इन 1978। ये जो समिति वहाँ पर की गई थी तो उसका जाहिरनामा प्रसिद्ध किया गया था 1978 में। एंड द पॉलिसी ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड वर्ण वॉज एडोप्टेड। दिस गेव राइज टू अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग कॉल्ड स्त्री मुक्ति ची ललकारी, ऐसा उसका सॉन्ग वहाँ पर बनाया गया था। एंड स्ट्रीट प्ले कॉल मुलगी झाली हो ज्योति बाय ज्योति म्हापसेकर, ज्योति म्हापसेकर जो थे उन्होंने मुलगी झाली हो यहाँ पर ये स्ट्रीट प्ले बनाया था। एंड पीरियडिकल कॉल प्रेरक ललकारी विच बिकेम देयर माउथ पीस एंड अदर सच प्रोग्राम्स इन 1977। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अलग अलग सॉन्ग, अलग अलग पथनाट्य जो रहते हैं, या प्रेरक ललकारी ऐसे जो मुखपत्र रहते हैं, ऐसे अलग अलग उपक्रम वहाँ पर शुरू किए गए थे। ग्रुप्स लाइक द स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति इस्टेब्लिश बाय सौदामिनी राव, इन सौदामिनी राव जो थे उन्होंने वहाँ पर पुणे में वहाँ पर स्त्री मुक्ति आंदोलन जो था उसकी समिति स्थापन की गई की थी। एंड नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बाइजा एंड फॉटर्निटी एज ऑल्सो स्त्री उवाच मैत्रीण एंड स्त्री अन्याय विरोधी मंच, ऐसे अलग अलग वहाँ पर कोल्हापुर में महिला दक्षता समिति स्थापन की गई थी। नासिक में महिला हक यह वहाँ पर बनाया गया था। एंड इन नासिक एंड नारी प्रबोधन मंच इन लातूर वेयर फॉर्म, एंटी डोरी प्रोडक्शन कमिटीज वेयर फॉर्म ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग जगह पर आप अलग अलग शहर में स्त्रियों के अत्याचार विरोधी परिषद वहाँ पर आयोजित किए गए थे। अ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द वुमेन वॉज ऑर्गेनाइज इन धुले सिटी, और धुले सिटी जो थी धुले यहाँ पर स्त्री अत्याचार के विरुद्ध में परिषद आयोजित की गई थी। विद्या बाल पीरियडिकल्स नारी समता मंच एंड मिलन सर्यजनी एज ऑल्सो द वर्क ऑफ द समाजवादी महिला, तो वहाँ पर जो नारी समता मंच और जो अलग अलग मिलून सार्वजनी ऐसे जो नियतकालिक थे वहाँ पर समाजवादी महिला सभा के जो कार्यकर्ते थे उन्होंने वहाँ पर बनाए थे। एंड द क्रांतिकारी महिला संगठना वेयर ऑफ ग्रेट हेल्प इन डीलिंग विथ वुमेन्स इश्यूज एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गारंटी स्कीम इन महाराष्ट्र ऑल्सो हेल्प टू एम्पावर वुमेन। जो क्रांतिकारी महिला संगठना थी उनका भी कार्य यहाँ पर बहुत ही लक्षणीय ऐसा था। स्त्री योजना अलग अलग महाराष्ट्र में रोजगार हमी योजना के मार्फत स्त्री सबलीकरण को भी वहाँ पर मदद हुई थी। अब आगे हमें देखना है प्रमिला दंडोटी इस्टेब्लिश द महिला दक्षता समिति इन दिल्ली 1976। 1976 में प्रमिला दंडोटी उन्होंने महिला दक्षता समिति की स्थापना की थी। ब्रांचेस ऑफ द समिति केम अप इन द स्टेट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला ओडिशा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पंजाब। द कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश द अखिल भारतीय जानवड़ी महिला संगठना इन 1980। तो वहाँ पर अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठना भी स्थापन की गई थी 1980 में। एफर्ट्स वेयर मेड टू स्टार्ट ब्रांचेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, और वहाँ पर इंडिया के हर एक पार्ट में उसके ब्रांचेस ओपन करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। एंड द संगठना स्टार्टेड अ स्ट्रगल अगेंस्ट इश्यूज लाइक अ डॉरी फीमेल फॉर्टिसाइड डोमेस्टिक एब्यूज एट्सेट्रा एंड रिसर्च ऑन वुमेन्स इश्यूज
वॉज अंडरटेकन एट वेरियस लेवल्स वुमेन्स स्टडी सेंटर्स वेयर स्टार्टेड एट द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी द श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकर सिंह। तो ये जो थे ठाकर सिंह, नथीबाई दामोदर ठाकर सिंह महिला विद्यापीठ जो था वहाँ पर ओपन किया गया था मुंबई में, वुमेन्स यूनिवर्सिटी यानी कि SNDT उसका नाम है मुंबई, एंड एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, सावित्रीबाई पुणे पुणे यूनिवर्सिटी पुणे, एंड शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। दीज सेंटर्स प्लेड एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिटिकल एनालिसिस एंड इन डेवलपिंग विजन ऑन वुमेन्स इश्यूज। इस तरह से अलग अलग हमने देखे थे कि किस तरह से अलग अलग स्त्री अभ्यास केंद्र की स्थापना वहाँ पर की गई थी, आलोचना और दृष्टि ये जो केंद्र थे उससे भी यहाँ पर अलग अलग भूमिका वहाँ पर उन्होंने बनाई थी। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। आगे देखना है हमें लॉज फॉर वुमेन, स्त्रियों के संदर्भ में कौन कौन से कानून कौन कौन से कायदे वहाँ पर किए गए थे उसके बारे में जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।